चलती बस च आया ड्राइवर नू हार्ट अटैक, कंडक्टर दी सूझबूझ कारण बची सवारियां दी जान। दस्सदे इक वड्डी घटना वाल वाल हुंदे बची है, जिथे चलती बस दे विच इक ड्राइवर नू हार्ट अटैक आ जांदा है, जिस कारण बस संतुलन खो दिंदी है ते डिवाइडर वल चढ़ जांदी है ते पूरी बस दे विच हफड़ा दफड़ी मच जांदी है। मौके ते कंडक्टर ने जाके बस संभाली ते साइड ते लगा के रोक दित्ती, जिस कारण सारियां सवारियां दी जान बच गई। ता इस कंडक्टर दी सूझबूझ कारण कई कीमती जाना बच गईआं ने, जिस तों बाद ड्राइवर नूं हस्पताल लिजाया गया ते उसका इलाज किया जा रहा है। इस संबंधी कंडक्टर का कहना है कि मंगलवार रात करीब 11 बजे बस सवारियां नूं लेके रवाना हुई ते सवेरे करीब 2 बजे अचानक ही बस ड्राइवर प्रताप की तबीयत अचानक विगड़ जाती है ते देखते ही देखते प्रताप चलती बस के विच सीट ते बेहोश हो जाता है। इस संबंधी कंडक्टर ने दसिया कि नज़दीक ही ड्राइवर सीट ते बैठा सी ते जिवें ही बस का संतुलन बिगड़ता है तो बस डिवाइडर ते चढ़ जाती है ते बस दे विच बैठियां सवारियां दे विच अफड़ा दफड़ी मच जाती है। हादसे समय बस दे विच 20 सवारियां मौजूद सी, जिस तों बाद कंडक्टर ने समझदारी विखाउंदे होए ड्राइवर की हालत वेखी अते झट बस का स्टेयरिंग फड़ लिया, जिस तों बाद उसने बस नूं संतुलन दे विच लियांदा ते बस सवारियां की मदद नाल ड्राइवर नूं सीट तों कढ़िया अते तुरंत पुलिस नूं सूचित किया गया। सूचना मिलने तो बाद मौके ते पुलिस दियां गड्डियां पहुंचदियां ने ते बस नूं साइड ते लगा के रोकिया जांदा है ते बेहोश हालत दे विच ड्राइवर नूं सरकारी हस्पताल दे विच भर्ती करवा दिता जांदा है। बस विच बैठियां सवारियां नूं होर बस दे रही अगे रवाना कर दिता जांदा है, जिस तों बाद डाक्टरां वल्लों उस ड्राइवर का इलाज शुरू कर दिता गया ते हुण बस चालक की हालत ठीक दसी जा रही है। तो दस दिए कि हरियाणा रोडवेज की बस सी जो कि चंडीगढ़ तो चल के पलवल जा रही सी, तो अचानक रस्ते दे विच ड्राइवर नूं हार्ट अटैक आ जांदा है ते कंडक्टर दी सूझबूझ कारण कई सवारियां दी इस दे विच जान बच जांदी है। सुबह 11 बजे गाड़ी पलवल से चलती है और चंडीगढ़ पहुंचती है 8 बजे के करीब, तो 11:15 बजे रात में हम चंडीगढ़ से पलवल के लिए रवाना हुए थे। वहां से चलने के बाद जैसे ही आपने ये घरौंडा टोल क्रॉस किया तो ड्राइवर ने पता नहीं एकदम से क्या हुआ कि टैक्सी किस का आई और शुद्ध बुद्ध ही खो गए, एकदम से बेहोश से हो गए। तो ड्राइवर का क्या नाम है? ड्राइवर का नाम है प्रताप, D-126। तो फुटपाथ में गाड़ी टकराई हल्की सी, तो मैं एकदम तो एक फुटपाथ से टकराई गाड़ी घरौंडा टोल क्रॉस करने के बाद, तो मैं एकदम से यू देखा माँ की बात, तो इसके पास पहुंचा मैं क्योंकि बीच सीट में पीछे पुलिस सीट पे था, तो देखा तो ये एकदम से बेहोशा हो यार साइड में पड़ा हुआ था, तो मैंने फिर एकदम से विचलित तो मैं भी हो गया, लेकिन स्टेयरिंग संभाला सबसे पहले, मैं गाड़ी ना टकरा दे क्योंकि सवारियां बहुत सारी थी और रोंग साइड में दूसरी तरफ ना उतर सके थी, गाड़ी पलट भी सके थी, एक्सीडेंट की पूरी संभावना थी क्योंकि हाईवे हो गया जी, एक सेकंड में आ गए पीछे साधन, लेकिन सबसे पहले मैंने हौसला हिम्मत करके स्टेयरिंग संभाले रखा। 2.5 किलोमीटर तक गाड़ी लगातार चलती रही, न्यूट्रल कर दी, फिर मैंने सवारी थी तो एक जवान है लड़के उनको बोला, मैं कहा भाई एक बार आइयो थोड़ी मदद करियो, के बात मैं कहा ड्राइवर ने कुछ प्रॉब्लम सी बन गई, आप एक बार इसने खींच के निकालो क्योंकि इस टाइप की गाड़ी है जी, एक वहां मैंने पैर दे के देखा पैर नहीं गया, बड़ी कोरिक मारो चाबी तक हाथ नहीं जावे क्योंकि ज्यादा बड़े बोनटी नहीं गाड़ी आके, तो उनने जो ड्राइवर को खींच कर निकाला, तो मैं जो ही ड्राइवर निकल के शेड की सीट पर चला गया स्टेयरिंग को संभाले संभाले, कम से कम 2.5 किलोमीटर दूर तक स्टेयरिंग संभाला, नॉर्मल होली गाड़ी सीट पर बैठ कर शेड की समतर में उतार के ब्रेक लगाई, ब्रेक लगाने के बाद उन तक कई सवारियां था, मैं भाई इसने ड्राइवर में थोड़ी मालिश मुलिस सी करो, कभी ऐसा ना हो जाए अटैक आ रहे और कुछ, मैंने रोक के गाड़ी साइड में और फिर तुरंत PCR को कॉल किया 112 नंबर पर और एम्बुलेंस को किया, PCR वाले तुरंत 10 मिनट में आ गए, ये भी उनकी बहादुरी और समझदारी, करंट में हमारी सर्विस दे पाए, ठीक है जी, इसको सिविल हॉस्पिटल भेज दिया जी, तुरंत मैं सवारियों के पास रुका रहा 10-15 मिनट तक, पीछे से कोई पलवल गाड़ी डिपू की कोई दूसरी गाड़ी आ रही थी उसमें बैठा कर उन सवारियों को, फिर वो PCR के माध्यम से ही मैं यहाँ सिविल हॉस्पिटल आया। तो क्या बताया डॉक्टर ने हॉस्पिटल में? ड्राइवर डॉक्टर ने बताया जी कि इनको BP 197-98 के करीब पहुंच गया था और अटैक की संभावना थी, लेकिन गनीमत ये रही समझदारी से किसी भी प्रकार की अनहोनी से बचा गया, ड्राइवर भी सुरक्षित है और सवारियां भी सुरक्षित रहेगी और गाड़ी में भी किसी। तो इलाज रात को समय रहते मिल गया है जी? इलाज मिल गया था रात को? डॉक्टर आ गए थे, इलाज बहुत बेहतर इलाज दे पाए जी, तुरंत में हमारी पूरी तरह से सेवा की इन्होंने डॉक्टरों ने और संभाला इसको। तो अब कैसी तबीयत है? अब तबीयत नॉर्मल है जी, नॉर्मल, क्योंकि BP अभी भी 147-148 के करीब है, लेकिन
ठीक है पोजीशन। तो आपने सूचना दे दी अपने डिपार्टमेंट को? सूचना डिपार्टमेंट को, डीआई को भी बोल दिया जी, और जीएम साहब को भी बोला था, लेकिन वो किसी कारण से फोन रिसीव नहीं कर पाए। लेकिन ड्यूटी सेक्शन में मैंने दो या तीन आदमी को बोल दिया जो वहाँ ड्यूटी सेक्शन के उन्नत थे, और जैसे ही इसको छुट्टी मिलेगी ये बैठ कर आ जाएगा साथ में।